दोस्तों Xiaomi की Redmi Note सीरीज इंडिया के अंदर पॉपुलर है, उसी तरह Mi Note सीरीज भी इंडिया के अंदर उतनी ही पॉपुलर है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा Xiaomi Mi Note 11 Pro स्मार्टफोन के बारे में, इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 765G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और इसी के साथ आपको 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसके अंदर आपको Mi Note 10 Pro के जैसा ही ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट प्रिंटिंग के साथ आएगा, और इसी के साथ आपको पेंटा कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ये कन्फर्म है कि इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है, और इसी के साथ आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, डेप्थ सेंसिंग सेंसर, टेलीफोटो लेंस एंड माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको 20x ऑप्टिकल जूम का फीचर भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एक डुअल पंचोल डिस्प्ले पैनल होगा, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रेप्रेस रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड सेल्फी के लिए डुअल सेल्फी कैमराज देखने को मिलेंगे, जहां पर 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका डिस्प्ले और कैमरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 765G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों दमदार के साथ 5G को भी सपोर्ट करता है। और बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, जो कि MIUI 11 पर बेस्ड होगा, और ये 6GB 128GB एंड 8GB 256GB रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप 2TB तक माइक्रो SD कार्ड को भी एक्सपेंडेबल कर पाएंगे। वहीं पर बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि वूक 4.0 के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और इन द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में, बट दोस्तों इसकी इंडिया के अंदर लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है। जैसे ही इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।